वीडियो शूट कर सकते हैं आप इजिली। कहाँ से सेटिंग करनी है, मेन्यू प्रेस किया हमने, यूज़ करिए उसके, क्रॉप नहीं कर रहा है तो बढ़िया शूट हो रहा है, आपको अच्छे नॉलेज आपके पास अच्छी है। फाइल फॉर्मेट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, 4K में, HD में, AVCSD में, MTS फाइल क्रिएट होता है। नॉर्मली लोग AVCSD खींचते थे शुरू में, अभी भी खींच रहे होंगे क्योंकि MTS फाइल देता है तो रेंडर करके फाइल आपको अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में नॉर्मली हो जाता है। कैसे करना है आप, कैमरा सेटिंग 1 है, F2 है, कैमरा सेटिंग 2 है, 1/9 ऑप्शन दिया है। फाइल फॉर्मेट यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। इसके नीचे रिकॉर्डिंग सेटिंग दिया हुआ है, किस पे आपने रखा है। देखिए ये मेरा फ्रेम रेट होता है और ये बिट रेट होता है। मेरे हिसाब से 50-50 पे भी हम करते हैं, 100-100 पे भी करते हैं। तो 8 बिट पर करते हैं ना आपका वीडियो रिकॉर्डिंग, 8 बिट आउटपुट आपको 10 पे देगा। एन क्या दिया हुआ है, ये 60 और जो 50-25 एन क्या है, बताया मैंने। और नॉर्मल यहाँ पे स्विच दिया हुआ है जिससे आप डायरेक्ट वीडियो प्ले कर रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो सेटिंग के बाद। अभी आते हैं हम क्विक एंड स्लो मोशन पे। नहीं, आपको एक ऑप्शन था लॉक ऑन का, आइए मैं वीडियो को उसको सॉल्व करते चलते हैं, थोड़ा मजा आता है। ठीक है, क्वेश्चन को वीडियो पे मैंने कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंटर लॉक ऑन का, तो किसी भी असाइन बटन पे, मैंने आपसे बताया C1, C2, C3 किसी भी असाइन बटन पे आप इसको रख सकते हो जिससे आप इजिली यूज कर सको। जैसे मेरे लिए ये ईजी है तो मैं यहाँ रख देता हूँ हमेशा, आपके लिए ये ईजी आप यहाँ रख लो, ये ईजी जो आपको शूट करने में ईजी हो वहाँ रख सकते हो। करना क्या है आपको, मेन्यू में आप कर जाएंगे, मेन्यू का सहारा आपको बार बार लेना भी, कैमरा खरीदे तो थोड़ा सा छेड़ना भी है। ये सेंट्रल लॉक ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, इसको कैसे करना मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है कस्टम पे फिर से, क्योंकि आपको असाइन करना है ना किस बटन पे आपको रखना है। कस्टम पे आप जाइएगा, कस्टम पे गया, C1, C2, C3 कोई भी बटन आप ले सकते हो, C1 ले लेता हूँ मैं, चलिए ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, फिर से बता रहा हूँ किसी भी आप कर सकते हो। यहाँ मुझे रखना क्या ये देखना, अभी आई ऑटो फोकस मैंने रखा था कुछ देर पहले, यहाँ से मुझे इसको हटाना है। सारे फंक्शन है जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सेंट्रल लॉक ऑन फोटो पूरा ये लिखा हुआ है, मैंने इसको ओके कर दिया। कस्टम बटन 1 पे सेंट्रल लॉक ऑन आपने सेट कर लिया, आप देख सकते हैं वापस में आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये ऑप्शन फिर से आ गया बीच में, जो मैं मूव करता था अपने से कर सकते। सुबह क्या करता हूँ किसी बंदे पे, जैसे आप पे किसी भी मैं सेलेक्ट करके उसको छोड़ दिया, C1 में प्रेस करूँगा वापस से आ जाएगा। C1 मैंने प्रेस किया, क्या आ गया, C1 मैंने प्रेस किया, C1 में मैंने डाला है। ऑप्शन यहाँ पे ऑफ और ऑन का आ रहा है। ठीक है, ऑफ करते हैं तो सेलेक्ट नहीं करेगा, सेलेक्ट नहीं करेगा, ऑन पे मैंने कर दिया इसको। अब मुझे सेलेक्ट करना, ये ऑप्शन आ गया, मैंने आपसे इसको प्रेस कर दिया, ये आपको ले लिया है। अब आप मूव करेंगे, अब आप मूव करते हैं तो फिर वो आपको ट्रैक करेगा।
ये आपको लॉक कर लिया, ठीक है। मूव करेंगे आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन में दिखाया आपको, वैसे ये पूरा वर्क करेगा जब तक भी आपके फ्रेम में, कंफ्यूज नहीं होगा ये, आप फ्रेम में जब तक भी हैं ये आपको ट्रेस करेगा पूरा, ठीक है। अभी आप बैठे हैं, मैं देखा अगर आप उठ के मूव भी करते हैं, अगर कोशिश करिए आप देखना हो तब कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, अगर फ्रेम में जब तक आप हो, इधर उधर कहीं भी जाते हो, बस कैमरा आपको देख रहा है कि आपको ट्रेस कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको 2.5 लाख लगाए करता हूँ, 3 लाख मैं बोल रहा हूँ उनको ट्रेस करो, ये उनको ट्रेस कर रहा है, नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं भूल जाता है, जब भूला मतलब पूरा ब्लर नहीं होगा, हल्का सा आउट होगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम करता है स्टील में, वीडियो तो आपको पूरा करना, सो अगेन आप फिर इनको कर देंगे, अगर मैं ट्रेस कर देते यहाँ पे दबा दिया ये इनको फिर से ले लेगा दोबारा, तो फ्रेम में जब तक है ये इनको शूट करता रहेगा, वीडियो में भी ब्राइडल और फैशन में आपको यहाँ रहा चल के तो आप शूट कर सकते हो, ये विद इन मिनट का या क्लिप आप लेते हो, पूरा वीडियो तो करते हैं क्लिप आप जो भी लेते हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो इसका, अच्छा बेनिफिट है। कैसे करना है फिर भी बता दे रहा हूँ, आपने पूछा तो कुछ करना नहीं है, मेन्यू पे आप गए, कस्टम बटन आप याद रखिएगा, कस्टम बटन आपको सेट करना है, और जिस पे भी आपको सेट करना है उस पे आप इसको डालिए, कस्टम पे आप सबसे पहले जाएंगे, ये कस्टम बटन हो गया C2 में 8/9, इसको आपने ओके किया, C1 C2 C3 आप किसी पर भी इसको कर सकते हैं, इस बार C2 पे कर लेता हूँ, ठीक है ओके कर लिया। आप पूछ रहा है क्या रखना है मुझे, वैसा कर सकते हैं आप, आपको याद है C1 पे मैंने आई ऑटो फोकस रखा है, C2 पे मैंने लोकल फोकस रख दिया, C3 पे ये रख दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से याद करके जो आपको याद रहे, C2 पे मुझे रखना क्या ये पूछ रहा है, C2 मैंने ओके किया, क्या रखना है मैं फिर आगे बढ़ूंगा, मुझे रखना क्या है सेंटर लॉक ऑन, मैं ढूंढूंगा इसमें कहाँ पर है, सेंटर लॉक ऑन ओके कर दिया। अब ये बता रहा है C1 पे भी सेंटर लॉक ऑन है, C2 पे भी आपने सेट किया, आपको बता रहा है ठीक है, मैंने कर दिया ओके। अब मुझे C2 प्रेस करना है ऑन ऑफ के लिए, मैंने प्रेस किया, अब ये पूछ रहा है ऑन या ऑफ, सेंटर लॉक ऑन को ऑफ करना है या ऑन करना है, मैंने ऑन कर लिया, अगर आपको चाहिए नीड है तो आप यूज़ करेंगे तो ऑफ कर दीजिए आप, ओके कर दिया। अब इनको पे मैंने लाया और इसको सेंटर बटन से प्रेस कर दिया, अभी इनको लॉक कर लेगा पूरा, इजी ऐसे, तो मैं इसको हटा दूंगा